कुतरा आप ऐसा हो चंपा हो चंपा हो मोबाइल बोल आपको पता है जहाँ टीचर एक है एक यही जाते हैं उसको नकलने की नहीं चाहिए पहले है हमारे जो स्वीपर लेडी है हमदर्द है साथ अपना पाग ऊपर गए अमर सब प्रकाश अमर रहे अमर रहे अमर रहे जीरन प्रकाश समर प्रकाश अमर रहे अमर रहे जीरन हमारा संपत प्रकाश अमर रहे अमर रहे अमर रहे संपत प्रकाश अमर रहे अमर रहे अमर रहे मरना ये इसके फैमिली के लिए सिर्फ ताजत नहीं है बल्कि पूरी रियासती आवाम के लिए बिलखसूस यहाँ की मुलाजिम बरादरी के लिए यहाँ की पेंशनर्स के लिए ताजत है क्योंकि संपत जी एक फ़र्द नहीं है वो एक उंजमन थे ही वॉज ए मल्टी डायमेंशनल लीडर उसको रियासत के आवाम के नब्ज़ शनास थे वो रियासती आवाम के हर सतह पर उनने तर्जमानी की रियासती मुलाजमन की तर्जमानी की जुल्म और बरबरीत के खिलाफ आवाज़ उठाई यहाँ के सियासी इशूज़ पर बात करते थे यहाँ के समाजी इशूज़ पर बात करते थे यहाँ के इक्तसादी इशूज़ पर बात करते थे रियासती आवाम के रिसोर्स के तहफ़ के बारे में बात करते थे संपत प्रकाश जी को सिर्फ रियासती सियासत रियासती इक्तसादियात पर ही नज़र नहीं थी बल्कि मुल्की सियासत इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पर भी उसकी नज़र थी संपत प्रकाश जी का बिछड़ जाना ये पूरी कौम के लिए ताजत है क्योंकि संपत प्रकाश जी ने सिर्फ मुलाजिम बरादरी और सियासी मामलों में ही नहीं बल्कि जो यहाँ कम्युनल हारमोनी के हवाले से रियासती आवाम हिंदू मुस्लिम और सिख के इतिहाद के हवाले से कश्मीरी पंडितों और कश्मीरी मुसलमान भाइयों के इतिहाद के हवाले से जो संपत प्रकाश जी ने काम किया उसको सुनहरी हरूफ से तवारीख में लिखा जाएगा क्योंकि संपत प्रकाश जी एक वाहिद लीडर है जिसको न रिजन के नाम पर जाना जाता था न रिजन के नाम पर जाना था अन बायस्ड लीडर थे बिलाल आजम मजहब मिलत रंग नस्ल रिजन और रिलीजन लोग इनकी कदर करते थे वो रियासती आवाम के मुसलमानों के हिंदुओं के ईसाइयों के दिलों में बसते पर राज करते थे और आज भी जिस तरीके से संपत प्रकाश जी को यहाँ के हर मकतब फिक्र से ताल्लुक रखने वाले लोग सियासी लीडरान यहाँ के समाजी लीडरान रिलीजियस लीडरान बिलखसूस मेरे सामने आप देख रहे हैं एजाज साहब शबीर अहमद लंगू साहब नजीर साहब और बहुत सारे ट्रेड यूनियन लीडरान यहाँ आए हैं पुरनम आंखों से इसको खराज तहसीन अदा करते हैं हमारा खराज सबसे बड़ा खराज तहसीन संपत प्रकाश जी को यही होगा जम्मू कश्मीर सिविल सोसाइटी फोरम की तरफ से इन तमाम कायदीन की तरफ से कि हम संपत प्रकाश जी ने जो लगेसी रखी है कम्युनल हारमोनी की हिंदू मुस्लिम सिख इतिहाद की और जुल्म और बर्बरियत के खिलाफ आवाज़ उठाने की उस लगेसी को हमें किसी भी कीमत पर कायम दायम रहना है और उस पर चलना है और संपत प्रकाश जी ने ही हमें ट्रेड यूनियन सिखाए संपत प्रकाश जी के रिटायरमेंट के बाद हमने मैंने खुर्शीद अहमद साहब और ने ट्रेड यूनियन संभाले हमने उनसे सीखा है
लपट के झपटना, जेल जाना, हक गोई करना, दिल की बात को बिला किसी झजक जमीन पर लाना, ये संपत जी ने हमें सिखाया है। संपत जी हमारे लिए हमारा पर्सनल लॉस है, हम ताजतदार हैं। सिर्फ संपत जी के बच्चे ताजतदार नहीं बल्कि पूरी कौम, पूरी मुलाजिम बरादरी, रिटायर जो लोग चुके हैं वो भी हिंदू मुस्लिम सिख से ताल्लुक रखने, कम्युनिटी से ताल्लुक रखने वाले लोग सब ताजत में बराबर है। संपत जी को सबसे बड़ा खराज तासी नहीं होगा। हम मुतहद रहे, हम किसी भी जो भी कोई तरीकाकार अपनाया जाए कि हिंदू मुस्लिम सिख और ईसाइयों को आपस में लड़ाने के लिए, जम्मू और कश्मीरियों को आपस में लड़ाने के लिए, उन चीज़ों को कला कमा करने के लिए संपत जी के बनाए उसूलों पर हमें चलना चाहिए। सानिया है जम्मू कश्मीर के लिए, खुसूसन कश्मीर के लिए एक नेशनलिस्टिक आवाज़ और एक पुख्ता सेक्युलर क्रेडेंशियल का आदमी, ट्रेड यूनियन से वाबस्ता, डाउन ट्रॉडन की कदर कीमत यही जानता था और कश्मीर के जो सही हालात हैं उनकी अकासी करता था बगैर किसी खौफ और डर के। और ये सब के लिए ज़बरदस्त एक सदमा है हम सब के लिए कि ऐसी संपत प्रकाश जी की आवाज़ आज हम सब में नहीं है। और आज इसीलिए हम सब यहाँ हर किसी तबके से लोग यहाँ आए हैं इनकी आखिरी रसूमात में शामिल होने के लिए।